चलो सर, कैसे हो आप सब लोग? सही, आज जो है ड्रैग रेस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट अवेटेड वीडियो थी हंटर के साथ में। और ये देख लो भाई, पीछे भूसा भी खड़ी है। भूसा के साथ नहीं करेंगे वैसे, तो यहाँ पे मिट्टी और है, पीछे जो है क्लासिक वगैरह है। और फिलहाल जो है क्लासिक की करने वाले हैं, क्लासिक वर्सेज हंटर 350। दोनों ही बाइक का सेम इंजन है, सेम स्पेसिफिकेशंस है। और जो मेरा वेट है वो 75 kg है, और जो शानू भाई दूसरी क्लासिक चलाएंगे जो, तो उनका जो वेट है ना वो भाई लगभग 80 के करीब होगा, शायद मेरे से ज़्यादा ही है। तो देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी चलिए करते हैं वीडियो। तो बाकी जो है एक बार मैं दोनों की ना साउंड सुना देता हूँ आपको, दोनों ही बाइक्स की कैसी है कैसी नहीं है। इंजन तो सेम है वही, ये देखो ये भी, अरे दोनों सेम इंजन है, जे सीरीज वाला अपना। 20 PS की पावर देता है, लगभग 27 Nm के करीब जो है टॉर्क देता है। तो पहले जो इसकी साउंड मैं आपको सुना देता हूँ हंटर की। अभी जो एक बार क्लासिक की और सुन लेते हैं, क्लासिक की कैसी साउंड वगैरह है। तो न्यूट्रल करके क्लासिक थोड़ी सी ना लाइक साइलेंट टाइप है, बट इसमें जो है बिल्कुल उसी जनरेशन का एग्जॉस्ट है जो अपनी कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर वगैरह में आता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा ही है ये। और साउंड भी जो है वैसी ही आती है इससे, तो वो चीज़ है। बाकी टायर साइज वगैरह 140 सेक्शन इसका, वो आई थिंक 130 के करीब है शायद। ये साइज अगर कंफर्म कर देता हूँ मैं, ये जो 120 है, 130 नहीं 140। तो चलिए इस करते हैं राइड को स्टार्ट, एक तरह से जो है ड्रैग रेस को स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं भाई क्या रिजल्ट्स रहते हैं, क्या कौन विनर है कौन नहीं, वो सारी चीज़ पता चल जाएगी आपको। दो राउंड करेंगे, एक यहाँ से मतलब 2-3 किलोमीटर तक करेंगे, फिर उसके बाद एक और कर लेंगे, पता चल जाएगा कौन सी बाइक में ज़्यादा पावर है। फिर जो है ये बाइक जो थोड़ी सी हल्की है क्लासिक वगैरह मीटियोर वगैरह से, और इसके बाद जो है ना मीटियोर के साथ में भी एक ड्रैग रेस आने वाली है। तो फिलहाल क्लासिक के साथ करते हैं, बाकी मीटियोर के साथ में भी आई जाएगी। आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई वो पीछे रह गई है, और साइड में ना ट्रक भी था, बट उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा अपनी ड्रैग रेस पे। बट थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रश आज। आ गई है भाई पास, क्लासिक भी ज़्यादा दूर नहीं है, बस मेरे से एक कदम पीछे है। तो 120 गई है भाई, रात को ना 120 भी टच नहीं कर पा रही थी, अभी जो है 120 और ये फिफ्थ गियर डाल दिया मैंने। अभी तक तो भाई पीछे ही है क्लासिक, अभी राइडर्स एक्सचेंज करेंगे ना तो अच्छे से पता चल जाएगा हमें। तो फर्स्ट राउंड में जो है हंटर विनर है, अभी जो है राइडर्स एक्सचेंज करके देख लेते हैं। हाँ वेट कितना आप में? मेरा तो 89 है। ओ भाई साहब, लगभग भाई 10 से 15 किलो का फर्क है वेट, और ऊपर से फिर वो उधर ट्रैफिक भी था ना थोड़ा सा। हाँ एक और राउंड लेते हैं ना, हाँ थर्ड में फिर एक्सचेंज कर लेंगे। चलो नहीं भाई, पिकअप तो है इसमें। तो ये जो है सेकेंड राउंड है, थर्ड राउंड और करेंगे अभी, जिसमें राइडर्स एक्सचेंज कर लेंगे। जहाँ तक मेरे को लग रहा है वेट की वजह से ये हो रहा है, बाकी इंजन सेम है। तो क्या है ना कि वेट का ही जो है फ़र्क यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंजन तो सेम है एंड उनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे से, और मेरा थोड़ा कम है भाई, 15 किलो कम है मेरा, और बाइक का भी लगभग 10 से 15 किलो कम है क्लासिक से। तो फिर से भाई पीछे रह गया वो, ये आ गई, मतलब ज़्यादा पीछे नहीं रहती, ज़्यादा गैप भी नहीं बनता, थोड़ा बहुत गैप बनता है। अभी जो है वो उधर लग जाएगी, मैं इसको इधर लगाता हूँ। वेट वेट की वजह से है ये डिफरेंस।
क्योंकि ये बाइक भी हल्की है थोड़ी सी, हाँ उस वजह से। चलो थर्ड राउंड करते हैं, सभी जो है थर्ड राउंड कर लेते हैं लगे हाथ और पता चल जाएगा जो भी है। बट एक चीज़ यार, मैंने क्लासिक ना पहले ज़्यादा चला ही नहीं है कभी, और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी फील हो रही है। करें भाई, ये देखो पूरा पूरा वेट का ही जो है फर्क निकल के आ रहा है। अब जैसे मैं उससे इस बाइक पे आया ना भाई, ये जो लेंथ है ना ये काफी कम है इस बाइक की। अब वो देखो भाई वेट डिफरेंस अभी पता चल जाएगा आपको, दिख गया ये है भाई, क्योंकि वो बाइक जो है ना क्लासिक से हल्की है, उस वजह से उसमें आपको अच्छा पिकअप मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये बाइक पावरफुल नहीं है, सेम इंजन है और 120 क्रॉस कर चुकी है अपनी क्लासिक भी, आई थिंक वो भी 120 से ऊपर ही है भाई। लेकिन वो 120 मेरे हाथ में तो जा नहीं रही, तो इनसे पूछते हैं 120 टच की या फिर नहीं की। तो मेनली यदि बात करें तो हंटर ही फास्ट है, हंटर ही विनर है इस ड्रैग रेस की। तभी करते हैं ड्रैग रेस को यहाँ पे एंड और फाइनल रिजल्ट अभी बताते हैं आपको। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन रीजन बताते हैं कि भाई रीजन क्या है। नहीं वेट की थी, क्योंकि ये थोड़ी हल्की बाइक है उससे ना, हाँ। वो तो भाई काफी हैवी फील होती है, ये बहुत हल्की फील नहीं हुई आपको? हाँ, ये इनिशियली बहुत लाइट हाँ। हो रही है और ये जो है इनिशियली हैवी फील हो रही है। वही 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 बुलेट चला रहे हैं, ये लग रहा है कि भाई कोई कैफे रेसर है। वही इसमें 120 टच कर दी थी आपने? हाँ 120 आई थिंक टच हो गई थी। हाँ 120 वो भी 120 टच हो रही है, 120 से ऊपर नहीं जा रही है दोनों, ये भी 120 जाती है वो भी। सो गाइस विनर जो है हंटर, तो विनर तो भाई हंटर ही है आज की ड्रैग रेस का। बाकी अभी जो है मिट्टियोर के साथ एक और ड्रैग रेस आने वाली, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करके रखें चैनल को यार। बाकी मज़ा आया दोनों ही बाइक्स को चलाने में, यदि हम पर्सनली बताऊँ ना भाई उसमें जो मज़ा है वो इसमें नहीं। अभी शानू भाई से पूछते कौन सी बाइक चला के मज़ा है, ये बताओ भाई कौन सी बाइक बढ़िया लगी आपको चलाने में? पर्सनली देखो मैं बताऊँ, मुझे हंटर ज़्यादा फ्लिकेबल लगी है। हंटर लगी ना, हैंडलिंग काफ़ी निम्बल है, हैंडलिंग और ये जो स्पेस है ना ये काफ़ी अच्छा दे रखा है इसमें, और इससे आराम से बंदा लॉन्ग टूरिंग भी कर सकता है। बिल्कुल थोड़ा जो वो नहीं होते स्पोर्टीनेस वाले हाँ। बंदे उनके लिए भी बढ़िया है ये, एक्सेस आ रही है ना वही है बिल्कुल। सो गाइस ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।